खैरियत से होंगे। अगर खैरियत नहीं भी है तो ऐसा शो हम आपके लिए ले आए कि जिसको देखने के बाद आपकी खैरियत की, आपकी वेलबींग, आपका मूड, आपकी खुशी सारी वापस आ जाएगी, क्योंकि ये है हद कर दी विद मोमिन साकेत। अरे नहीं नहीं, अरे अरे नहीं, अरे तालियां वालियां और बजाओ। शो स्टार्ट करने से पहले अपनी बचपन की यादें ताजा करते हैं। बचपन में ना कोई टेंशन, रिलैक्स, लंबा सोना। बचपन बड़ा खूबसूरत होता है, बंदा कोजा भी हो बचपन खूबसूरत ही होता है। 50 साल का भी हो जाए ना, बंदा कहता है बचपन की एल्बम देखनी है। शादी की एल्बम नहीं कोई देखता, बचपन की एल्बम देखते हैं। हालांकि आंसू दोनों एल्बम देख के निकल ही आते हैं। क्या प्यारी चीज है बचपन। दादा दादी, पुप्पो पुप्पा, चाचा चाची की मौत करवानी के किसी तरह से छुट्टी मिल जाए। अम्मी को कहना है, अम्मी पेट में दर्द हो रही है। अम्मी ने आगे से कहना है, मेरा लाल छुट्टी कर ले यार। मैं कहता हूँ अब तो असल में भी तबीयत खराब हो या बंदा बीमार फील कर रहा हो तो शो तो होस्ट करने आना ही पड़ता है। चाइल्डहुड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। ये जो बच्चे होते हैं ना, ये एम्बॉडी करते हैं ट्रेट्स लाइक काइंडनेस, कंपैशन, क्रिएटिविटी, केयरलेसनेसनेस। बच्चे को क्या टेंशन है, बच्चे की जिंदगी में कोई टेंशन नहीं होती। बच्चों को यार, बच्चों को बेचारे अब कुट भी नहीं सकते हैं। बाहर के मुल्क में तो चलो है, माँ बाप ने कोई ऐसी वैसी बात कर दी तो बच्चों ने पुलिस को फोन कर दिया। इधर बच्चा पुलिस को फोन कर दे, पुलिस ने आगे कहना हाजी साहब ताड़ा मुंडा एनू दो होर लाओ। आई एम टोटली अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज और बच्चों को मारना। इससे कोई एज सच जो है ना, बच्चों की क्रिएटिविटी इंक्रीज नहीं होती, बच्चे रेजिलियंट भी नहीं बनते। बच्चों को मत मारिया करो। बच्चे जो टैबलेट्स इतना यूज कर रहे हैं, इतना माशाल्लाह सोशल मीडिया पे है, माँ बाप अपने सीजन देख रहे हैं, बच्चे फेसबुक पे फ्रेंड्स ढूंढ रहे हैं, मतलब जब इतनी छोटी उम्र में इतना ज्यादा एक्सपोजर आपको मिलेगा ना सोशल मीडिया का, तो बच्चों का रियलिटी का एक डिस्टॉर्टेड व्यू बन जाएगा। अनरियलिस्टिक इमेजेस देख के सोशल मीडिया पे, परफेक्ट लाइफ्स देख के। तो इसीलिए एक माँ बाप के लिए मेरा मैसेज है कि एक बैलेंस रखें आप, कि कितनी देर बच्चे ने सोशल मीडिया करना है, कितनी देर नहीं करना। माशाल्लाह इतने बच्चा साड़ा पूरा टर्मिनेटर बन जाता है 24 घंटे वेख वेख के वेख वेख के। आज के जो गेस्ट हैं वो भी कभी बच्चे थे लेकिन अब बड़े हो गए और बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया है, पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्केल पे लेके गए हैं, और यही नहीं बड़ी दफा बैन भी हुए हैं। लेकिन कोई गाल नहीं, उसके बावजूद ये रुके नहीं, इन्होंने अपना लोहा मनवाया। आपकी भरपूर तालियों में, आपकी मोहब्बत में, आपके प्यार से बुलाना चाहूंगा आज के गेस्ट सरमद कुसर। भाई इतनी एनर्जी यार, अभी कहाँ एनर्जी, एनर्जी तो आपको देख कर आई है। दिस वाज समथिंग एल्स। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसा दिन? प्लीज प्लीज सर बैठ जाओ। प्लीज प्लीज बैठ जाओ। बैठ गया। बैठ जा। कैसा दिन गुजर रहा है आपका? सब दिन कैसा गुजर रहा है? दिन ठीक गुजर रहा है, लेकिन अब ये दिन मुनासिब नहीं गुजरना। हमने अपना दिन, वी हैव टू लिव इट टू द फुलेस्ट। सरमद भाई, मैं चाहता हूं कि आप जब याद करें ना, मैं गया था हद कर दी विद मोमिन साकेत पे, तो आप कहें यार जिंदगी में अगर कुछ अच्छे मोमेंट्स थे उनमें से एक ये था। आई एम श्योर। पक्का? पक्का पक्का। सरमद, एंबिशन भी है, नियत भी है। नियत भी है, नियत से बढ़ के कुछ नहीं है। सरमद भाई, सबसे पहले तो आपको पता है एज ह्यूमंस वी आर सोशल एनिमल्स। True. हमारे इर्द गिर्द और इंसान होते हैं तो एनर्जी ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। बात हम आज बचपने पे कर रहे थे, लेकिन आपको देख के एकदम मेरे दिल में ख्याल आया कि फैशन एक वो चीज है, इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, इट इज फैशन। Whatever you're wearing, right. Blue आपकी शर्ट, Apple Watch आपके हाथ में, Pink socks, What is fashion for you? बाकी गंदी थी जुराबे। अच्छा जुराबे वैसे धोते खुद ही आप? नहीं, कभी कभार मदद भी ले लेता हूँ, लेकिन मदद भी ले खुद अपने काम करना अच्छा लगता है। Self done is well done. पहला मैसेज मैंने कहा था सीखने को मिलेगा सरमद भाई से बहुत कुछ। पहला मैसेज उन्होंने मैं दे दिया। आज हम बचपने पे बात कर रहे थे, ठीक है, और बात कर रहे थे कि बचपने में किस तरह बहानेबाजी करते हैं हम कभी बीमार होने की। आपने भी बचपन में अदाकारी की है बीमार होने की? आई एम श्योर बहुत दफा दफा। तो मुझे याद है एक दोस्त ने बोला कि पता नहीं क्या बकवास टोटका था कि पता नहीं प्याज लेके तो आप कहीं छुपा ले थोड़ी देर के लिए तो आपको बुखार हो जाता है। आई थिंक आई डिड दैट। छुपाया आपने? हाँ, बट देन ऑफ कोर्स छुपाया कहाँ था?
बट आई थिंक वो बुखार तो नहीं चढ़ा, लेकिन उसके बाद दो दिन तक बो नहीं गई थी। ये आपने जुराबों से कनेक्ट किया ना इस जवाब को, कमाल है, कमाल है, नहीं फिनोमिनल। मच ऑफ द वर्क दैट यू हैव डन, वेदर इट्स मंटो, दैट इज बेस्ड ऑन real events or real people. How do you balance that historical accuracy with artistic expression? अच्छा, अगर technically speaking, मैंने दो जो से biographical काम किए हैं जिनमें वाकई असल लोग जो जिंदा थे, जिनकी अपनी कहानी थी। बट अगर मैं ब्रॉडली बात करूँ, ये कैसे मुमकिन है कि आप अपने इर्द गिर्द की आबो हवा से, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से, अपने माहौल से ही आप कहानी लेते हैं, वहीं से किरदार आते हैं, वहीं से मसाइल आते हैं, वहीं आप ढूंढते हैं सोल्यूशन भी। सो कहानी सुनाने वाले के लिए मेरा ख्याल है मवाद इर्द गिर्द ही होता है। सो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है आपको एक्यूरेसी फिल्म में या फिक्शन में छोड़नी भी पड़ती है। सो यस, उसमें सही गलत भी हो जाता है कभी। लाइक बहुत से लोग खफा भी थे मुझसे कि नहीं ये इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं था। सो आई वाज लाइक वेल दिस इज माय इंटरप्रिटेशन। मंटो ही अगर आपसे मिले तो आपको क्या लगता है वो आपको क्या कहेंगे या आप उनको क्या कहेंगे? ओहो, कि वो बस इतना कह दें कि कोशिश ठीक कर रहे हो। आपको लगता है कि वो आपको अप्रिशिएट करेंगे? ख्वाहिश है, मैंने कहा जरूरी नहीं है, ख्वाहिश है। मंटो साहब का तो मतलब कुछ बातें जो उनके हवाले से हैं वो बड़े क्या कहना चाहिए, मानते कम थे लोगों को खुद में, एक मना लेना खुद में एक दुनिया। हाँ, इतना मुझे पता है। वो जो है, अगर उस एंगल से आप आ रहे हो तो वहां मुझे पता है, मैंने तो गिट्टे पकड़ लेने थे। वो तो फिर उस्ताद जी वाला जो एक उनके साथ अकीदत है, वो मुझे लगता है मैंने कोई तरला मिनता कर लेना था। आपने तरले डाल देने? मैंने डाल देने थे, वो तो मैंने कोई शर्म नहीं उसमें करनी थी। ये हमारे आजकल नौजवानों को भी बड़ा इश्यू चलता है, इनके उस्ताद नहीं होते, इनकी जो मोहब्बतें चलती जानू के साथ, इनको भी बता, इनको अगर मनाना हो तरले गोटे गिट्टे पकड़ के तो ये क्या कर सकते हैं? ये बड़े उस्ताद हैं, इनसे हमें सीखना चाहिए मुझे लगता है। आप सजेस्ट करें कि अगर ये मंटो साहब से मिलते हैं रियल लाइफ और इनको उनको मनाना होता कि यार मुझे आपकी लाइफ पे एक मूवी बनानी है और वो ना मान रहे होते, तो क्या तरीका था कोई आप सजेस्ट करें मजेदार जिससे आपको लगता है कि वो मान जाते? जी सर, अक्सर आप कभी बाहर कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे आउट ऑफ सिटी, तो आपको दीवारों पे बड़े आपको ना बड़ी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। तो मैंने अक्सर ये देखा है कि जी महबूब कदमों में और दुश्मन सदमों में। एक तस्वीर लगेगी, साथ कुछ चीजें गोश्त वगैरह लगेगा तो हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। इतने आसान थे नहीं मंटो साहब, वैसे आप इजी ले रहे हैं। आज अगर मंटो साहब होते आज के हालात देखिए क्या कहते, पर खच्चे उड़ा देते जाहिरी बात है उन्होंने, क्योंकि उस जमाने में जो बातें कही हैं वो जब आज आप तकरीबन 65-70 साल बाद पढ़ते हैं आपको लगता है शायद उन्होंने अभी लिखा है ये। कोई भी इंसान जो उसके माइंड में होता है वो हर चीज यहाँ से यहाँ फिल्टर होकर आती है, तो अगर कोई अनफिल्टर्ड अगर हम लोग सारे हो जाए तो फिर ये तो नहस नहस हो जाए दुनिया। इसीलिए तो फिर मंटो एक ही थे ना, लगी लिपटी नहीं रखते। वो कहते हैं ना कि अगर ये सोसाइटी जो है उसका कपड़ों के बिना है अगर ये, तो मैं दर्जी नहीं हूँ, मेरा काम नहीं है इसको कपड़े पहनाना, ये ऐसी ही है तो मैं ऐसी ही नजर आएगी, ऐसी ही बयान कर दूंगा। एब्सोल्युटली, आई थिंक अनफिल्टर्ड होने के अपने फायदे भी हैं। अक्सर हमें ऐसे लोग चाहिए सोसाइटी में जो हमें एक बड़ा ऑनेस्ट ब्रूटल रिव्यू दे दे कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं उसके नुकसान भी हैं। एब्सोल्युट, तो जो हमारे नौजवान है ना, तुसी अनफिल्टर्ड ना होना, इन्होंने हर दो मिनट बाद उन्हें भी आई लव यू, तेनू भी आई लव यू, पढ़ना पुढ़ना इन्होंने है कोई नहीं, अनफिल्टर हो गए ना सर। आपके साथ एक एक्टिविटी करना चाहूंगा जिसका नाम है तोले बगैर बोलो। ठीक है, एक्टिंग या डायरेक्शन? डायरेक्शन। ओके, सरमद या इरफान? इरफान ऑफकोर्स। फैसल कुरैशी या फहद मुस्तफा? फैसल। लोकल लोकेशंस या बाहर की? लोकल। घर की कुकिंग या बाहर का मुफ्ता? घर की। सादा निकाह या काफी दिन की शादी? सादा। अच्छा, यू थिंक कि इट शुड बी अ प्राइवेट मैटर और बड़ा? तो बाकी पैसा बंदा बचा के कोई और खर्चे कर ले ना। और की खर्चे करने ना, तुसी छुट्टी ते चला जाए, गड्डी बदल ले। ठीक है, ये आप लोग के लिए कह रहे हैं। ठीक है, सिक्स पैक या फैमिली पैक? सिक्स। सिक्स पैक। फिटनेस में है आप? Recently converted. अभी घंटा पहले स्टार्ट? नहीं नहीं, दो कुछ साल हो गए। दो? अच्छा, वेरी गुड। अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या लेट नाइट आइसक्रीम? अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। सिनेमा या नेटफ्लिक्स? सिनेमा।
कानों में बाली या होंठों पे लाली? बाली तो मैंने पहन ली है, अब लाली रह गई। शाहरुख खान या सलमान खान? सलमान खान। सलमान खान एनी डे। वो आप फैन है सलमान खान? एनी डे यार। किस क्यों है फैन आप? स्टार्स के मामले में खासतौर पे जब आप उनको, अगर आप उनकी स्किल या उस पर एनालाइज नहीं कर रहे, फिर कोई वजह नहीं होती, फिर बस वही होता है अच्छा लगता है कोई। तो उन सब में खान जो कॉम्पिटिशन चलता है उसमें आई थिंक सलमान सबसे ज्यादा इंडेयरिंग और लाइकेबल है मुझे लगता है। यस व्हाई नॉट। कितने प्रतिशत? अच्छा, सबा कमर या माहिरा खान? या ये सवाल का जवाब है सरमत खुसट। ओ बच्चे दो अच्छे या नौ? यार इसमें बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। हम माशाल्लाह नौ बहन अरे भाई हैं। अंकल के लिए तालियां। हम माशाल्लाह नौ बहन भाई हैं लेकिन दो ही अच्छे। साड़ी या लहंगा? साड़ी। साड़ी। फिल्म या ड्रामा? फिल्म। खड़ा सच या मीठा झूठ? कौन सा सच? खड़ा सच या मीठा झूठ? खरा खरा। सच है कुछ? सच आपके सामने आके हाँ खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप क्या बोलते हैं? एक सच बोलने में जो है ना जिंदगी सौखी रहती है, बाद में फिर बंदा वही है, कोई मैसेज डिलीट करना पड़ता है, किसी को डिसअपीयरिंग पर डालना पड़ता है। तो सीधी गेम रखनी चाहिए, सीधी गेम रखनी। आपके क्या एलिमेंट्स हैं जिससे आपने काम किया उसका इंपैक्ट इवैल्यूएट करते हैं? आपके तजर्बे से रिलेटेड है टू बी ऑनेस्ट। जब आप शुरू करते हैं कोई काम, आपके लिए पहली सनद होती है आपको पैसे कितने मिल रहे हैं। फिर हमारे काम में एक सनद होती है कि आप मशहूर कितने हो रहे हैं, राइट? सो हम सब उन फेजेस से गुजरते हैं। आप अपने काम के साथ क्या कर रहे हैं उसका जज सबसे पहला आप हैं। जब भी आप कोई मूवी बनाते होंगे तो आपको ये तो कंफर्म होता होगा कि 15 टिकटें तो बिक जाएंगी? नहीं, वो घर वाले तो आपको पता है वो पास मांगते हैं। यार इधर ये बड़ा मसला है पास का। नहीं, हमारे काम के साथ तो सबको लगता है कि आर्ट तो फ्री होनी चाहिए यार। इसमें इसका क्या आ जाता है? नहीं तो गाना ही है, नचना ही है, या ग्लो के डायलॉग ही बोलने में तो कोई काम ना है। आई थिंक दैट इज एन ओवरऑल माइंड सेट विच ग्रेजुअली इज चेंजिंग। ये ट्रेंड खत्म कर दो, अब एक दूसरे को सपोर्ट करो। ए मंगन मुंगन वाला काम जो है ना, जो आप जानू से 100 का लोड और ये बस छोड़ दे प्लीज प्लीज। सरमत भाई आप एक फिल्म मेकर हैं, आपकी जो फिल्म अगर बैन होती है तो क्या आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ यार मैंने कोई रिएक्शन प्रोवोक किया तो मेरी फिल्म बैन हुई है, या फिर आपको अफेक्ट करता है कि यार इतना काम किया था और अब ये बैन हो गया? क्योंकि दैट कुड ऑल्सो बी वन एंगल टू इट जो शायद लोग नहीं सोचते, बट मुझे माइंड में आ रहा था। जो दूसरा वाला एंगल है ना, तो वो होता है ना दूर से किसी चीज़ का आपको लगता है वो बड़ा मज़ा आ रहा होगा। मैं बस हल्फिया ये कहना चाहता हूँ कि आओ तो इस इस पास से थोड़ा को मजा ला के देख। नो, देयर इज नो जॉय इन इट, एब्सोल्युटली नॉट। लेट्स बी मोर स्पेसिफिक, आर देयर एनी स्पेसिफिक एलिमेंट्स इन अ मूवी जो अगर हो तो मूवी बैन होनी चाहिए यू थिंक, अगर आप सेंसर बोर्ड के चेयरमैन होते? आई हैव नेवर सीन दैट बुक, इफ देयर इज अ बुक व्हिच सेज कि ये नहीं हो सकता, राइट? आई वुड वांट टू नो दैट बुक। एक पॉजिटिव नैरेटिव से आके पूछ रहा हूँ कि अक्सर कुछ लोगों को लगता होगा कि यार सरमत तो रूल मतलब जंगल के कानून में है, उसके लिए तो एवरीथिंग इज ओके। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर आपको उस बुक का ऑथर बनाती गवर्नमेंट, उस कोर कमेटी में डालती कि हम एक सेट ऑफ सर्टन प्रोसेस बना रहे हैं जिसकी बेस पे सेंसरशिप फंक्शन करेगी, तो उसमें ऐसी क्या चीज़ें आप डालेंगे जो जिनकी बेस पे अगर वो एक मूवी में हो तो मूवी बैन हो जानी चाहिए? आई वुड वॉन्ट टू बैन थिंग्स विच स्प्रेड हेट। आई वुड वॉन्ट टू बैन वायलेंस। I would want to ban ideas which create intolerance. Okay. Because फिर जब आप audience पे check नहीं रख पा रहे तो किसी भी तरह की audience वो देखती है उससे क्या message लेती है? That is wrong. That needs to be controlled clearly. So specifically things which are spreading hate and violence. Ban. Violence ban. Extremism. Extremism ban. Intolerance. Intolerance ban. तो अक्सर जब लोग ही कहते हैं कि यार सरमत भाई तो is willing to do everything and everything, नहीं उनके भी perspective में there are things which should be banned. मैं कितना किए पहले लोग ban impression किए। हर as humans हमारे अंदर ये ingrained है ban, जो जितना मर्जी liberal आपको लगे, जितना मर्जी conservative लगे, हर किसी की एक subjective reality में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको वो ban करना चाहता है। So I don't know, I mean गुफ्तगू थोड़ी ज़्यादा। नहीं नहीं गुफ्तगू बिल्कुल नहीं। Firstly, this was
आई थिंक इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग फॉर मी. और मैं हमेशा अपनी ऑडियंस को कहता हूँ कि लाइफ में बैलेंस होना चाहिए. यू नो यू नीड टू बैलेंस योर लाइफ बिटवीन लर्निंग, एंटरटेनमेंट, फन, ह्यूमर, एवरीथिंग. वाइब एक ऐसी चीज है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप लॉजिक नहीं लगा सकते कि यार वो बंदा ये है. वाइब इज अ वाइब. आपको पॉजिटिव वाइब आ गई या नहीं आई, आपका वाइब पे क्या कहना है? ये जो वाइब होता है ज्यादा ही आने वाली सी थोड़ी देर मैनू आ गई सी, मैं रोक लेती हूँ. बहुत मजा आ रहा है लेकिन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे. डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक. कराची के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? आई थिंक ये कराची वालों को भी नहीं पता होगा. ओके, सिंध में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? ये सिंध वालों को भी नहीं पता होगा. ए मेनू तो नहीं पता, मैं पंजाब दा. ठीक है, बाद आप देना पूछना, पंजाब दा भी नहीं पता. जी एग्जैक्टली द काइंड ऑफ शो यू नीड इन लाइफ. कितना एंजॉय कर रहे हो यार आप लोग, ये आपकी खुशी के लिए कर रहा हूं मैं. अगले सेगमेंट पे चलें, आपकी इजाजत होगी तो चलेंगे. ट्रू और फॉल्स? सरमत भाई, मैं एक बहुत मूडी इंसान हूं सेट पे. फॉल्स. बहुत मेहनत के बाद, सोचने के बाद, अपने वोकल्स को इस्तेमाल करते हुए फॉल्स पे बात पहुंची. आई एम नेवर ओपन फॉर सजेशंस. फॉल्स. पाकिस्तान में यू कैन नॉट बी क्रिएटिव. विच कारली गर्ल partially true false के बीच में कहीं. okay. हाँ, trolls. okay. we can never compete with Bollywood. false. मुझे नूर जहां के गानों पे डांस करना पसंद है. truth 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 and we've seen it. मैंने बड़ी मूछे मौला जट देख के रखी. false. okay. सरमत कूसट सिर्फ उन आर्टिस्ट की कदर करता है जिनकी सोच उससे मिलती हो. false. कुछ लोग आपका साथ तो देते हैं लेकिन जिस पैशन से लोग पार्टी थ्रो करते हैं, तेरा हमसफर हिट हुआ, इस पैशन से कोई ये कहता हो यार तेरी मूवी बैन हुई है, आई एम श्योर तूने कुछ से कुछ सीखा होगा, लेट्स सेलिब्रेट. नहीं, ये अभी तक नहीं हुआ, बट हाँ, यू आर राइट, होने चाहिए ऐसे. मेरे जैसे क्रिएटिव दोस्त हो ना अगर आप. मोमेंट द नेक्स्ट टाइम, गॉड फॉरबिड आई डोंट वांट टू गेट बैंड अगेन, बट if that happens I am going to take that offer. You never fail, you learn, and I think even when you fail you should celebrate ke god you know I did I maine ki cheez banayi, mujhe banane mein maza aaya, logo ne dekhi nahi dekhi bola ki baat hai. मुझे तो मजा आया जर्नी का. अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, दोस्ती प्रोफाइल. आपको बनानी होगी पाकिस्तान के कुछ सेलिब्रिटीज की दोस्ती प्रोफाइल. क्या करना होगा, किस तरह करना होगा, वो आपको कुछ ही सेकंड में पता चल जाएगा. कंप्यूटर जी, स्क्रीन्स पर दोस्ती प्रोफाइल का टेम्पलेट लाया जाए. माय नेम इज सबा, बट यू कैन कॉल मी मिर्ची. मिर्ची. आई एम वेरी गुड एट गपशप. गपशप. यू विल ऑलवेज फाइंड मी एट a film studio. Never expect mediocrity from me. Okay. Three words that describe my romantic life. In a hypothetical world, if I and Sabha had a romantic life, I'm sure, yes, it would be hot, creative, and really hot. Yaar, main pehli dafa jitna hasa hu apne set. Very good. To ab hypothetical world mein relationship fail ho gaya. Because I met Sarmad Khuswat. Of course. My name is Mahira, but you can call me. You can call me Gangu. Gangu. मैं गंगू का क्या मीनिंग होता है? The Gangu is Gangu. अच्छा चलो ठीक है. Gangu is very good at making cute faces. You will always find me at the seaside. Mm-hmm. Oh, never expect dash from me. Nastiness from me. Okay. Three words that describe my romantic life. Cozy, sweet, and hot. Whoa. Hot, sweet. I think if and a romantic life is not hot, the fitte muh aisi romantic life. I mean, that's the first thing. Aapke hisab se romantic life kaisi honi chahiye? Hot. Tawe ke upar ho banda. Koi par na, the mood hai to banda tawe. If you're calling it romantic, there should be some heat in there. ठंडी ठार तो गंडेरी भी होती है. तो फिर ये सारे गोरों को लॉर्ड शिफ्ट हो जाना चाहिए जून जुलाई में. नहीं नहीं, मौसम मैं बाहर का नहीं, मैं तो अंदरूनी मौसम की बात कर रहा हूँ. ओ, और आप ऑडियंस ना जो सो रही थी ऐसे ही ये देखिए इनको, इनके काम की आपने बात की, एंजॉय ना एकदम. सरोज, वेयर आर यू टुडे इन योर करियर? आई थिंक आई वुड लाइक टू बिलीव दैट आई एम मिडवे. ऑल्सो काफी वर्क गुजर चुके हैं. So technically speaking, this is my 25th year. अगर आप एक्टर ना होते तो आप क्या होते? एक्टर, डॉक्टर, शेफ. शेफ और इन दो में से कुछ होता. यू हैव अ बैकग्राउंड इन साइकोलॉजी. हाउ डज दैट इन्फॉर्म योर
I think ecology is an interesting mix of science and literature, I feel. So I like that it's a very brilliant combination of science and fiction or literature, you know. Or mind se aap kar sakte hain imagination jisse zyada powerful koi cheez hai. Absolutely. Is duniya mein. माइंड से याद आया ब्रेन मसाला सेगमेंट पे चलते हैं हम अपने ब्रेन मसाला मैं आपसे पूछूंगा कुछ सवाल और आपको देने होंगे उनके जवाब हमने नई नलाकी यानी पोल खुलने वाला है कोई बात नहीं मैं अक्सर देखता हूँ ये सेगमेंट शोज पे भी होता है लेकिन मैं बोलता हूँ ह्यूमन माइंड ब्रेन जो है ना ये मेमोरी के लिए नहीं बना ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बना है तो अगर हमें नहीं भी पता ना उस कंट्री के कैपिटल का क्या नाम है तो कोई बात नहीं है हमारा माइंड मेमोरी के लिए नहीं बना हुआ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बना हुआ है बट फिर भी ये सेगमेंट का मजा आता है तो मैं आपसे पूछूंगा मैंने अपना पर्सपेक्टिव पहले ही दे दिया कि आप टेंशन में ना आए कराची के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं आई थिंक ये कराची वालों को भी नहीं पता होगा सिंध में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये सिंध वालों को भी नहीं पता होगा मैनू तो नहीं पता मैं पंजाब दा ठीक है वागा देना पूछना पंजाब तो भी नहीं पता वागा की दूसरी जानब यानी भारत की साइड पर कौन सा शहर है is Amritsar of course taliyan so wow. thanks to shabaz sharif pakistan ke kitneve prime minister hai oye hoye again this is a record that I don't want to keep it's okay ilham iqbal ki date of birth he was born in sialkot that bit I date remember date nahi main bhul sakta november 9th ha yes taliyan iske andar एक पर्ची होगी अरमत भाई वो पर्ची देखेंगे उसमें या तो कोई फ्रेज होगा या कोई वर्ड और तस्वीरों के थ्रू वो आपको मुझे और इस सवाम को गेस करवाएंगे वो क्या है चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ एक दफा अरमत भाई के लिए चले जी लाइन रोड नो टू वर्ड्स ओके राइट बट इंसान लड़की और टू वर्ड्स लड़की पुरानी लड़की नहीं आई थिंक आई एम क्रॉसिंग पिक्शनरी विद डब श्रेयस राइट फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डू आई टेल यू दैट यू उर्दू है या अंग्रेजी है चलिए ये बता दें हाँ अंग्रेजी है हाँ गर्ल सोचे यू आर अ स्टोरी टेलर आप क्रिएटिव एनर्जी से अगर हम ये नहीं कर खड्डार सड़क पे खड्डार नहीं ये तो दो लव है एक वर्ड दो वर्ड्स में आप डिवाइड कर रहे हैं उस वर्ड का पहला हिस्सा घरों के ऊपर जो करंट वाली तार होती है अंग्रेजी में करंट वाली तार तो नहीं व्हाट इज इट कॉल्ड फेंस नो देयर इज अनदर वर्ड कांटे वाली तार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं शॉर्ट सर्किट हैजर्ड वायर वायर हैजर्ड सुनो भाई क्यों कर रहे हैं ऐसा यार ओके Come on! Jamit bhai. What the actual hell? Barbie. Yes! तो ये एक वर्ड है ना तो मैंने उसको तोड़ा के ताकि बार्ब तक अगर पहुंचोगे तो बार्बी आगे खुद बना लोगे मैं कल मंदी से खिला रहा था शरबत भाई बार्बी एक वर्ड है नहीं तो मैं आपको उसको सिखा रहा था कि उसको तोड़ के अगर आधा कर लोगे तो चलो कोई नहीं आगे भी अब मैं और भी है नहीं बार्बी डॉल यस हमें गुड्डी बनाई थी फिर से शरमत भाई पास गए मैं अब्दुल कादिर हूं नहीं ओके टू वर्ड्स व्हाइट बोर्ड 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 मैं सी बोर्ड स्केट बोर्ड क्या बना रहे शरमत भाई शरमत भाई घुंगरू अब न सिनेमा सिनेमा बोर्ड सेंसर बोर्ड यार कमाल तालियां तुम गोल गोल सा क्या बनाना शुरू कर देते हो फौरन वो पता नहीं चलता बंदा बॉल बना रहा है खरबूजा बना रहा है घोड़ा बना रहा सर पे चढ़ के ना हमारे सेट पे भी है ऑडियंस अवाम नहीं दो लकड़ियां ये दो लकड़ियां और ये क्या है ये दो लकड़ियां मैं आपको सब कुछ ही बता दूं ये बंदे हैं ना अपना बेस्ट फ्रेंड बना लूं हाँ बना ले म्यूजिक लकड़ियां ये दो लकड़ियां ढोलक नहीं व्हाट ऑर्केस्ट्रा इंग्लिश
ऑडियंस के हाथ में लकड़ियां थोड़ी है ना सरपंच भाई. लकड़ी गिटार नहीं. no. लकड़ी किसके हाथ में? लकड़ी वो उसके मारे लाइक अ ड्रमर. ड्रम सेट. तालियां. दुखड़े सुनावने बैठ मेरे सामने. शाका लगा शाका 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 शाका. इसके ऊपर या तो गुड बाय बनता है या फिर बनता है गुड बाय. यार ब्रेक खत्म करो यार, प्लीज ब्रेक किसी तरह खत्म करो. मुझे याद आ गए आप लोग. थैंक यू. आए वापस सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं. आई एम योर्स से वन डे. आई एम योर्स से वन डे. एवरीथिंग दैट आई हैव इज योर्स. तुम्हारे हैं कहो एक दिन. तालियां. यू are on my lips, you are in eyes, in petals. Oh, tum, tum. No, that's not the song. Dil mein ho tum, hoton pe tum, tum hi meri aankhon mein, pattiyon mein, phoolon mein, khwabon mein. I mean, that can be any song, by the way. Most of the love poetry. Hamara? Actual gana, Pakistani hai. Purane singer hote the hamare. Mere dil mein ho. B se naam shuru hota hai. बनी. कोई बात. इन द हार्ट सम स्वीट स्वीट हसल गोज ऑन. वेन एवर आई लुक एट यू आई गो मैड. वेन एवर यू स्टेप से नो मोर नाजिया हसन. सो शाही आला बाला गो. आजा जी. एम एम मॉबिन डी डी बीबी बेला. हाँ जी. की कर रहे हैं ये आप? तो डायरेक्टर है ये. अब हमने सीन रीएनैक्ट करना है. यानी उसकी तो सिचुएशन ये होती है कि उसकी चोट लगने से याददाश्त गुम हो जाती है. मेरी भी गुम हो गई. करें नहीं रीएनैक्ट में तो करो. करें. चलो जी बताएं की करना. शापा लगा. मेरी चली गई आवाज. मैं भी जंगल में पड़ा हूं. अच्छा है ना. बोल के फिर जंगल से. आज के गानों से कर दें. आज के गानों से कर दें. किसी को कर लेते हैं. कर दें. तुम्हें पीछे गाओ. मैं गाता हूं. चलो बोलो ते 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 से तुम. चलो बोलो ते. तू कहना है कुछ. शापाला पशु. That's the whole point. You don't know the language. Okay, okay, let's do it. So then I have to say something. Then you will just sort of give me the same meter. It's something else. No words. Okay. Right? मैं कुछ और बोलूंगा अपनी जुबान में जंगल की. चलो ये नहीं करते. कोई और गाना. नहीं मैं आपसे गाना गाता हूँ और आपने फिर उस गाने के जवाब में गाना गाना. चले. दुखड़े सुनावणे बैठ मेरे सामने. शाका लगा शाका 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 शाका. इसके ऊपर या तो गुड बाय बनता है या फिर बनता है गुड बाय. ऐसे तरह जंगल की रेजोनेट कर रहा हूं मैं. बस हुन मैं खाली सदाया गया. सरमद भाई के लिए तालियां बजाया. बहुत शुक्रिया आप लोगों का. ये आप लोगों की मोहब्बत है कि आप शो के एंड तक हमारे इस सेगमेंट का इंतज़ार करते हैं जिसमें हम हमेशा गौर फरमाते हैं किसी ऐसे टॉपिक पे, ऐसे इशू पे जिस इशू को हमारे गौर की ज़रूरत है. आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज का, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रहा है. अगर हमें अपनी दुनिया को प्रोटेक्ट करना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, तो हमें मिलकर इस चीज़ का ख्याल करना होगा. क्योंकि हमारी ही जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं उनकी वजह से तकरीबन 37.12 बिलियन मेट्रिक टन कार्बन हम हवा में रिलीज़ कर देते हैं हर साल, जिसकी वजह से इतनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं. और सिर्फ टेम्परेचर की वजह से नहीं, बहुत से और इशू हैं जो इस चीज़ से अफेक्ट होते हैं. और अगर हमें उन इश्यूज़ को सॉल्व करना है तो हमें इस पर काम करना होगा. जिस तरह फूड सिक्योरिटी, आपकी जो क्रॉप यील्ड्स हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं, आपके जो सी लेवल्स हैं वो राइज होना शुरू हो जाते हैं. और इसके अलावा सोशल जस्टिस के लिए, क्योंकि याद रखें ये क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वनरेबल कम्युनिटीज़ और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ होती हैं. तो अगर आप सोशल जस्टिस भी हम प्रमोट करना चाहते हैं तो हमें क्लाइमेट चेंज के इशू पर काम करना होगा. और हमें सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करनी होगी, तभी जाकर कहीं हमारी दुनिया हमारे लिए, हमारे रहने के लिए
सेफ रहेगी, अगर ये दुनिया ही नहीं रहेगी तो फिर हमारा इसमें क्या काम। तो मिलकर इस पर गौर करें। वो टाइम चला गया जहां हमने रियासत पे या दूसरों पे रिलाय करना है। हमें ओनरशिप लेनी होगी कि हम अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं और इस दुनिया की बेहतरी के लिए हमें क्या करना चाहिए। सरमद भाई, मैं चाहूँगा आप भी आके इस पर कुछ अगर कह दें और उसके बाद फिर हम शो को एंड की तरफ लेके जाएंगे। हम लफ्ज़ माँ इस्तेमाल करते हैं अपने प्लानट के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी धरती के लिए, राइट। हम बहुत सा कुछ ऐसा करते हैं जो मेरा ख्याल है हम ज़मीन के साथ कर जाते हैं, जो कभी कोई इंसान किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में अपनी माँ के बारे में सोच भी नहीं सकता कि उसके साथ ऐसा बर्ताव या ऐसा सलूक हम में करने की सलाहियत भी हो सकती है। ये एक ही प्लानट है, हमारा है, हम इसी पर पैदा किए गए हैं, यहीं से हमें रुखसत भी होना है। सो आपका अपना कॉन्ट्रीब्यूशन मैटर करता है, ये सोच के वो एक्स्ट्रा व्हीकल ऐड कर लेना कि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सोच के कोई गैर जिम्मेदार रवैया अख्तियार कर लेना कि चलो मेरी छोटी सी इस हरकत से शायद कोई फ़र्क ना पड़े, नहीं, वो सब धुआं जो इस वक्त मिल के हम सब के लिए ज़िंदगी को दूभर बना रहा है, वो हम सब ने मिल के ही फेंका है। सो जहाँ हम कहते हैं सोनी धरती, जहाँ हम कहते हैं हमारी माँ है, हमारा मदरलैंड है, आई थिंक माँ की ताज़ीम बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें इसको माँ समझ लेना चाहिए। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। थैंक यू वेरी मच सरमद भाई। ट्रस्ट मी, ये आजकल का सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है जिसपे हमें मिलके आवाज़ उठानी है। प्लीज़, आप पाकिस्तान की यूथ हैं, हमारे साथ आज स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप लोगों को इस पर रिसर्च करनी है, आप लोगों को इस पर काम करना है और पाकिस्तान को नहीं बल्कि अपनी पूरी दुनिया को सेव करना है, क्योंकि ये दुनिया ही हमारी है। तो इस पे गौर करें और आपसे मिलेंगे कल रात 11 बजे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।